गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम आज मक्का में हैं और मक्का से यहाँ से मक्का की ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं। पहले हमने आपको मदीना की ज़ियारतें दिखाई, अब हम आपको मक्का की ज़ियारतें दिखाएंगे। हमारे सफ़र का आगाज़ होता है गारे सौर से। ये वही जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के टाइम पर पनाह ली थी और कबूतरों और मकड़ी ने उनका साथ दिया था। इसके बाद हम गए अरफात के मैदान में और वहाँ पर ज़ियारत की। मेरे पीछे इस वक्त है मस्जिद नमरा, यहाँ पे अरफात के मैदान में है। इसी यही वो मस्जिद है जहाँ पे हज का खुतबा भी दिया जाता है, हाजी आके अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं। इसका एक हिस्सा अरफात के अंदर है और एक हिस्सा जो है अरफात के बाहर है। हाजी जो होते हैं वो अरफात के अंदर वाले हिस्से में रह के अपनी नमाज़ें यहाँ पर अदा करते हैं। मैदान अरफात में दूसरी ज़ियारत जो है वो ये है जबल रहमत की। ये वही जगह है जहाँ पे हज़रत आदम की माफ़ी कबूल हुई थी जब वो जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए थे। ये सारा वो एरिया है। हाजी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी अपनी उनके जो अरकान हैं वो पूरे करते हैं। यहाँ पे वो सिलसिला कहा जाता है कि यहाँ से दुआ की कबूलियत का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि हज़रत आदम की दुआ यहाँ से कबूल हुई थी कि अल्लाह की माफ़ी उनको मिल जाए। इस दीवार में कभी एक टाइम पे नहर हुआ करती थी। ये हारून अल रशीद की बेगम जुबैदा ने बनाई थी दरियाए दजलत से लेके मक्का तक, ताकि मक्का में आने वाले लोगों को अपनी इबादत के टाइम पे पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। अब इसके बाद ये है मैदान मुज़दलिफ़ा। ये वही जगह है जहाँ पे मुसलमान इशा और मगरिब की नमाज एक साथ पढ़ते हैं और फिर पूरी रात यहीं पे गुजारते हैं खुले आसमान तले, बग़ैर किसी तकिए, बग़ैर किसी चादर के, बग़ैर किसी छत के, ताकि उनको एक एहसास हो सको यूनिफॉर्मिटी का। और ये वही मैदान है जहाँ पे कंकरियाँ भी चुनी जाती हैं शैतान को पत्थर मारने के लिए हज के दौरान। ये मस्जिद मशहरुल हरम है। कहा जाता है कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के दौरान यानी हजतुल वदा के दौरान रुककर उम्मत के लिए दुआएं मांगी, अहलुल बैत के लिए दुआएं मांगी। और फिर आता है मिना, जिसे हम टेंट सिटी भी कहते हैं, यानी खेमों का शहर। उस मिना से आगे ही एक जगह है जहाँ पे अब्रहा अपने लश्कर के साथ ख़त्म कर दिया गया था। उस जगह को अजाब की जगह माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ इबरत हासिल की जाए और ज़्यादा देर रुका ना जाए और फौरन वहाँ से चल दिया जाए। वैसे इतने सारे खेमों को देख के अल्लाह ताला से दिल से एक ही दुआ निकली कि या अल्लाह हमें भी हज पे यहाँ पे बुला, हमें भी मौका दे कि हम भी यहाँ पे आकर रुक सकें, तेरी इबादत कर सकें। इंशाल्लाह एक दिन ये भी आएगा। अब हमारे सामने है गारे हिरा। गारे हिरा जिस ऊंचाई पर है, मैं तो यही सोच सोच के हैरान हो रहा था कि कैसे आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लम यहाँ पे आया करते थे, अल्लाह ताला के बारे में सोचा करते थे, अल्लाह ताला की याद में डूब जाया करते थे। ये वही जगह है जहाँ पे पहली वही भी नाजिल हुई। अगर आप गौर से देखें तो कहा यह जाता है कि इस पहाड़ के ऊपर कुछ सफ़ेद निशानात भी हैं। ये निशानात कहा जाता है इस पहाड़ के आंसू हैं, जो कि इस खुशी में है कि यह इस शर्फ हासिल है इस पहाड़ को कि यहाँ पे पहली वही नाजिल हुई। और अब आखिर में बारी है जबल अबू कुबैस की। ये मस्जिद हरम के बिल्कुल पीछे ही वाक़ है। ये पहाड़ बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। कहा जाता है कि जब हज़रत इब्राहिम ने काबे की छत डाली तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैंने अपना काम किया और तू अब अपना काम कर। अल्लाह ताला ने उस वक्त हज़रत इब्राहिम को हुक्म दिया कि आप जाइए इस पहाड़ के ऊपर और अल्लाह ताला के लिए यानी इस्लाम के लिए लोगों को बुलाइए, और लोगों ने फिर उनकी आवाज़ पर लबैक कहा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।